नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान शहीद हुए कासगंज निवासी चंदन गुप्ता के परिवार ने राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर से मुलाकात और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए वादे को पूरा कराने एवं परिवार के सम्मान की रक्षा एवं न्याय हित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सहयोग हेतु अनुरोध पत्र लिखा है। पीड़ित परिवार का ऐसा मानना है कि वर्तमान सरकार द्वारा किए गए वादे को यदि इसी सरकार में न्याय नहीं मिला तो आखिर चंदन गुप्त की आड़ में राजनीति करने वाले राजनेताओं, विधायकों, सांसदों से न्याय की उम्मीद समाप्त हो चुकी है। लिहाजा परिवार को अंतिम विकल्प राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के माध्यम से योगी आदित्यनाथ तक अपनी मांग को पहुँचाकर न्याय दिलाने की उम्मीद की गई है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने शहीद चंदन गुप्ता की माता संगीता गुप्ता एवं भाई विवेक गुप्ता से मुलाकात कर उनको न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश करने का आश्वासन दिया और कहा कि युवाओं के अधिकार संरक्षण, स्वाभिमान की रक्षा के लिए ही राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का गठन किया गया है। 18 को कासगंज निवासी स्वर्गीय चंदन गुप्ता की निर्मम हत्या कर दी गई, उस संबंध में लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों ने ये वादा किया था कि स्वर्गीय चंदन गुप्ता के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की जाएगी, उनको न्याय दिया जाएगा। चंदन गुप्ता की माताजी संगीता गुप्ता और उनके भाई विवेक गुप्ता जिले के शासन प्रशासन से लेकर के जनप्रतिनिधियों के द्वार पर दर दर भटकते रहे, न्याय की गुहार लगाते गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच से स्वर्गीय चंदन गुप्ता की माताजी ने जब संपर्क किया तो संगठन के माध्यम से राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्वर्गीय चंदन गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री तक उनकी बात पहुंचाने का आश्वासन दिया है और ये उम्मीद जताते हैं कि जो पीड़ित परिवार का मांग है, सरकार ने जो वादा किया था 50 लाख रुपये उनको आर्थिक सहायता देने की, परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी और चंदन गुप्ता के नाम पर एक चौक का निर्माण होना था, तो मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि जो भी पीड़ित परिवार की मांग है, पीड़ित परिवार की मांग को अविलंब पूरा किया जाए और पीड़ित परिवार के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा किया जाए, उनसे किए गए वादे को पूरा किया जाए। धन्यवाद।